बस हैं बस माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى اهل بيته الاطيبين اللنجبين الهداة المهديين سيما الامام المبين والكهف الحسين وغياث المستر المستقيم وخاتم الائمه المعصومين صاحب الدعوه النبويه والصوله الهيدريه والهيبه العسكريه والغيبه الالهيه سيدنا وإمامنا وهادينا بالحق القائم المنتظر المهدي صلوات أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صلوات मेरे मोहतरम दोस्तों भाई बुज़ुर्गों दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला आपकी इबादत अपने बारगाह में कबूल फरमाए और जिन अहबाब ने यह फ़र्श अज़ा बिछाया है अल्लाह उनकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। खुदावंद मुतआल पूरी दुनिया में आज़ादारान मज़लूम करबला की मुहाफ़ज़त फरमाए, अपनी दुआओं की इस्तजाबत के लिए फिर भी सलावात। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानियत की तालीम और तरबियत के लिए 1,24,000 क्लासें लगाईं और 1,24,000 अल्लाह ने मुअल्लिम भेजे। इंसानियत की पहली क्लास के मुअल्लिम को आदम कहते हैं, आखिरी क्लास के मुअल्लिम को मुस्तफ़ा कहते हैं। आदम ने पहली क्लास को पढ़ाया है, ज़ात मुस्तफ़ा ने आखिरी क्लास को पढ़ाया है। हमारे यहाँ भी ये दस्तूर होता है, एक उस्ताद होता है जो पहली क्लास को पढ़ाता है, एक उस्ताद होता है जो यूनिवर्सिटी में PhD की क्लासेस को पढ़ाता है। इन दोनों के मकाम और मर्तबे में बड़ा फ़र्क होता है। न पहली क्लास वाले को आखिरी क्लास वाले की जगह पे बिठाया जा सकता है, न आखिरी क्लास वाले को पहली क्लास वाले की जगह पे बिठाया जा सकता है। अगर छोटी क्लास वाले उस्ताद को बड़ी क्लास वाले की कुर्सी पे बिठा देंगे तो वो उस क्लास के बच्चों को मुतमाइन नहीं कर सकेगा, इसीलिए कि नाकिस कामिल का अहाता नहीं कर सकता। अगर छोटी क्लास वाले उस्ताद को बड़ी क्लास वाले उस्ताद की जगह पे बिठाएं तो ये कुर्सी की तौहीन है, अगर बड़ी क्लास वाले उस्ताद को छोटी क्लास वाले की जगह पे बिठाएं तो ये उस्ताद की तौहीन है। अब ये 1,24,000 मुअल्लिम आए पैगंबर से पहले, हम पैगंबर की कुर्सी पे किसे बिठाएं? आओ 1,24,000 अम्बिया से पूछते हैं, क्या तुम मोहम्मद की कुर्सी पे बैठने के लिए तैयार हो? एक एक करके सवाल करते हैं, आदम क्या आप मोहम्मद मुस्तफ़ा की कुर्सी पे बैठेंगे? आदम की आवाज़ आएगी, मैं वो हूँ जिसे अल्लाह ने कुछ असमा का इल्म अता किया, तुम्हारे दरमियान वो है जिसके पास सारी किताब का इल्म है।
आदम कहेंगे मैं वो हूँ जिसने अल्लाह के कहने को नहीं माना, अल्लाह ने मुझे जन्नत से निकाल दिया, तुम्हारे दरमियान वो हैं जिनके कपड़े अल्लाह जन्नत से भेजता है। नूह के पास आए, हजरत नूह क्या आप मोहम्मद मुस्तफ़ा की कुर्सी पे बैठने के लिए तैयार हैं? तो नूह की आवाज़ आएगी, जब मैं तबलीग के लिए निकलता था लोग मुझे पत्थर मारते थे, मैं ज़ख्मी हो जाता था, अल्लाह फरिश्ते को भेजता था, वो मुझे पर लगाता था, मुझे शिफा मिल जाती थी, मुझे फरिश्तों के पर से शिफा मिलती थी। तुम्हारे दरमियान वो हैं कि फरिश्तों को जिनके झूले से शिफा मिलती है। जज़ाकअल्लाह, सलामत रहो। अब आते हैं जनाब इब्राहिम के पास कि इब्राहिम तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा की कुर्सी पे बैठने के लिए तैयार हो? जनाब इब्राहिम कहेंगे मैं वो हूँ जिसने छुप के बुतों को तोड़ा है, तुम्हारे दरमियान वो है जिसने अलल ऐलान तोड़ा है, मैंने ज़मीन पे खड़े हो के तोड़ा है, तुम्हारे दरमियान वो है जिसने दोष मुस्तफ़ा पे सवार हो के तोड़ा है। मूसा के पास चलते हैं कि हज़रत मूसा क्या आप मोहम्मद मुस्तफ़ा की कुर्सी पे बैठने के लिए तैयार हैं? जनाब मूसा की आवाज़ आएगी कि जब मैंने अजदहा को देखा था तो मैं डर गया था। तवज्जो चाहूँगा, मैंने जब अजदहा, और मैं नहीं कह रहा मूसा डरे, अल्लाह कह रहा है मूसा डर गए थे, जब असा डाला वो अजदहा बना, मूसा डर गए, आवाज़ कुदरत आई मूसा उठा लो, अजदहा नहीं तेरा असा है। मूसा कहेगा मैं अजदहा से डर गया था, तुम्हारे दरमियान वो है जिसने झूले में अजदहा को चीर डाला। हज़रत ईसा के पास चलते हैं कि ऐ हज़रत ईसा क्या आप मोहम्मद मुस्तफ़ा की कुर्सी पे बैठने के लिए तैयार हैं? हज़रत ईसा की आवाज़ आएगी कि जब मेरी विलादत का वक्त करीब आया था तो मेरी माँ को बैतुल मुकद्दस से बाहर निकाल दिया गया था, तुम्हारे दरमियान वो है जिसकी विलादत के वक्त उसकी माँ को काबा के अंदर बुला लिया गया। अब एक कम 1,24,000 अंबिया जिस कुर्सी के ऊपर बैठने के लिए तैयार नहीं है, खाकी इंसान कैसे बैठ सकता है? और रसूल के मिंबर पे कोई सजता है तो अली है, बिस्तर पे कोई सजता है तो अली है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। अल्लाह फरमा रहा है कि बेशक मैं ख़रीदता हूँ मोमिनों से उनकी जान को और उनके माल को, और बदले में उन्हें जन्नत अता करता हूँ। अल्लाह फरमा रहे मैं ख़रीदार हूँ, कोई बेचे अपनी जान और माल, मैं ख़रीदार हूँ। अल्बत्ता अल्लाह हर एक से नहीं ख़रीदता, अल्लाह मोमिनों से ख़रीदता है। मोमिन कौन होता है? जिसके दिल में ईमान हो, ईमान उसके दिल में होता है जिसके दिल में अली हो। अल्लाह फरमाता है मैं मोमिनों से ख़रीदता हूँ, और ख़रीदो फरोख्त उस वक्त मुकम्मल होती है कि जब दोनों अतराफ राज़ी हों, दुकानदार भी राज़ी हो, ख़रीदार भी राज़ी हो, बेचने वाला भी राज़ी हो, ख़रीदने वाला भी राज़ी हो। अगर मालिक राज़ी हो ना तो कोई चाहे जितना बड़ा ख़रीदार हो नहीं ख़रीद सकता। मालिक का राज़ी होना ख़रीदो फ़रोख्त के दरमियान बहुत ज़रूरी है। एक मौला कायनात का फ़रमान है मौला अली का, मिल के सलवात पढ़ दें मौला की ज़ात को।
मौला का फरमान है, मैं यमुत यरानी, जो भी मरता है मुझ अली को देखता है। और इसमें कोई शक नहीं है, जो भी इस दुनिया से जाता है वो अली को देखता है कब्र में, चाहे मोमिन जाए या मुनाफिक जाए, अली को देखेगा ज़रूर। अलबत्ता मोमिन देख के खुश होगा, मुनाफिक जिस तरह यहाँ जलता है वहाँ भी जलेगा, यहाँ हसद की आग में जलता है वहाँ जहन्नम की आग में जलेगा। हदीस है मौला की, मैं यमुत यरानी, जो भी मरता है वो मुझे देखता है। किसी ने किबला अज़र हसन ज़ैदी से कहा कि किबला क्या ये मौला का फरमान सच है, इसकी हदीस की सनद सही है, कि मौला कायनात फरमाते हैं जो भी मरता है मुझे देखता है। बड़ा खूबसूरत जुमला उन्होंने कहा, उन्होंने कहा इस हदीस की सच्चाई के लिए मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं थी, अपने इलाके के पटवारी के पास चले जाते वो भी तुम्हें बता देता, इंतकाल तब होता है जब मालिक मौजूद होता है। ये खरीद व फरोख्त तब मुकम्मल होगी जब दोनों अतराफ से राजी होंगे। अच्छा, अल्लाह जान भी ख़रीदता है, अल्लाह माल भी ख़रीदता है इंसान का, ये दिया हुआ किसका है? दिया हुआ तो अल्लाह का है, जान भी रब ने दी है, माल भी रब ने दिया है। वही अपना दिया हुआ माल क्या कहता है खुदा? खुदा फरमाता है मैं मोमिनों से ख़रीदता हूँ, अल्लाह फरमाता है तुम अपने आप को मोमिन बनाओ, साहेब ईमान बनाओ, जब साहेब ईमान बन जाओ अपने ऊपर बराए फरोख्त का बोर्ड लगा दो, मैं रब ख़रीद लूँगा, मैं रब ख़रीद लूँगा। अच्छा, अल्लाह हर एक से भी नहीं ख़रीदता, हर एक का माल और हर एक की जान इस काबिल ही नहीं होती कि उसे ख़रीदा जाए। अल्लाह सिर्फ़ उनसे ख़रीदता है जो मोमिन है, हर एक का ना माल ख़रीदता है न हर एक की अल्लाह जान ख़रीदता है। अल्लाह कारून का माल नहीं ख़रीदता, माल बहुत है कारून के पास, अल्लाह कारून के माल का ख़रीदार नहीं है, अल्लाह खदीजा के माल का ख़रीदार है, अल्लाह खदीजा के माल का ख़रीदार है। और बाज़ लोगों के जिस्म जान की कोई कीमत ही नहीं होती। एक मरतबा बहलोल और हारून और रशीद इकट्ठे बैठे हुए थे, मिलके सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले, बहलोल और हारून और रशीद बैठे हुए थे, एक साथ गुफ्तगू हो रही थी। हारून ने कहा कि बहलोल मेरी कीमत लगाओ, मेरी कीमत क्या होगी? बहलोल ने कहा, इसने कहा कि बड़ी कीमत लगाएगा, मैं वक्त का बादशाह हूँ, हाकिम हूँ, खलीफा तुल मुस्लिमीन हूँ, आधी दुनिया के ऊपर मेरी हकूमत है, मेरी बड़ी कीमत लगाएगा। बहलोल ने कहा 150 दिरहम, आज के हिसाब से 150 रुपया समझो, वो दिरहम सऊदी अरब वाला ना समझे, यानी 150 रुपया। कीमत कितनी लगाई बहलोल ने? कहा तेरी कीमत है 150 रुपया। उसने कहा 150 रुपए के तो कपड़े नहीं हैं जो मैंने पहने हुए हैं। बहलोल कहता है कपड़ों की कीमत लगाई है, तू तो टक्के का भी नहीं है। बहलोल कहता है तू तो टक्के का भी नहीं है। बाज़ लोग टके के भी नहीं होते। अल्लाह फरमाता है मैं ख़रीदता हूँ, जब ख़रीदता है खुदा तो फिर इंसानी जान की कीमत कितनी है? कम से कम कितनी कीमत है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कीमत है? अल्लाह ने कम से कम कीमत भी बता दी है, ज़्यादा से ज़्यादा कीमत भी बता दी है। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलावात फरमाते हैं कि मोमिनों तुम्हारी जान की कम से कम कीमत जन्नत है, अपने आप को जन्नत से कम पे न बेचा करो। कम से कम जो कीमत है जन्नत है। यहाँ पर लोग अपने आप को थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे बेच डालते हैं अपना ईमान। मौला फरमाते हैं जब भी अपने आप को बेचा करो तो जन्नत के बदले में बेचा करो। अली वाला इतना कीमती होता है, जिसके दिल में अली हो वो इतना कीमती होता है, उसकी कम से कम कीमत क्या है? जन्नत है। मैं कहूँगा मौला कम से कम कीमत तो ये हो गई, इसकी कोई ज़्यादा से ज़्यादा कीमत भी है जो कुरान में जिक्र हुई हो? आवाज़ कुदरत आएगी वमिनन्नासे मैं यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह,
कुछ हस्तियां ऐसी हैं जो अल्लाह से सौदा करती हैं, अपनी जान देती हैं, अल्लाह से मर्ज़ातिल्ला खरीदती हैं। जिसने जान दी और मर्जी इलाही ली उसे अली कहते हैं। अब जिस पे राजी अल्लाह लगाओ तुम्हारी मर्जी, पहले देखो अली राजी है या नहीं। ये आयत कब उतरी? शब हिजरत, जब अली बिस्तर रसूल पे सोए। अल्लाह के नबी ने कहा, या अली आज तूने मेरे बिस्तर पे सोना है। अली ने एक जुमला कहा, कहा या रसूल अल्लाह क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ बच जाएगी। कहते हैं वहीं पे सजदा शुक्र अदा किया है अली ने। अब बाज़ लोग कहते हैं जी मौत का ख़तरा था अल्लाह याज़ु बिल्ला नबी को, इसलिए उन्होंने हिजरत की। अब मैं ये भी कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि हिजरत का मंसूबा पहले था या कत्ल का मंसूबा पहले था। क्या हिजरत की मौत के डर की वजह से पैगंबर ने हिजरत की, या हिजरत की वजह से मौत का ख़तरा पैदा हुआ? कहते हैं ऐसा नहीं है कि मौत के डर से, ये हो ही नहीं सकता कि नबी मौत से डरे। मौत के डर से हिजरत नहीं की, बल्कि हिजरत का मंसूबा पहले बना, मौत का ख़तरा बाद में आया। कैसे? मदीना से कुछ लोग गए, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। 70 से ज़्यादा तादाद बढ़ती रही। मक्का में लोग कबूल नहीं कर रहे थे, मदीना के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। मक्का में जो हर वक्त पैगंबर के साथ साए की तरह रहता था, जो मुहाफ़िज़ पैगंबर था, वो इस दुनिया से चला गया। अल्लाह के नबी ने हिजरत का इरादा किया। जब मुशरिकीन को पता चला तो उन्होंने कहा कि इसे इस शहर से जाने ना दें, इसे यहीं पर कत्ल कर डालें, इसका दीन भी ख़त्म हो जाएगा, इसका नाम भी ख़त्म हो जाएगा। सारे कबीलों ने मीटिंग की, 40 कबीले जमा हुए और उन्होंने कहा कि हर कबीले का एक एक बंदा लेते हैं, 40 अफराद मिल के मारें पैगंबर को। बनू हाशिम कैसे लड़ेंगे 40 कबीलों के साथ? ये गुमान कर रहे हैं कि जिधर अक्सरियत होती है हक उधर होता है। नहीं नहीं, पैगंबर ने बता दिया हक अक्सरियत के साथ नहीं होता, हक अली के साथ होता है। इसीलिए पैगंबर ने फरमाया, सयकून मिन बाद फितनतुन फइज़ा कान कज़ालिकन फअल्ज़िमु अलियन। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे बाद दुनिया पे फितने उठेंगे, तुम उधर जाना जिधर अली हो। فَإِنَّهُ الْفَارِقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ। क्यों? इसलिए कि अली हक और बातिल की पहचान। अब ख़तरा पैदा हुआ, पैगंबर खुदा ने हिजरत का इरादा किया। मौला अली को कहा कि आज की रात तूने मेरे बिस्तर पे सोना है। मौला अली रसूल खुदा के बिस्तर पे सो गए, सियाह चादर पैगंबर वाली ओढ़ी मौला कायनात ने, और अल्लाह के नबी ने हिजरत की। अब अल्लाह के नबी के मोजज़ात में से एक मोजज़ा ये था, हज़ारों मोजज़े हैं पैगंबर के, एक मोजज़ा ये है कि पैगंबर खुदा जब रात को सोते थे अपनी चादर ओढ़ के, नूर आपके बदन अतहर से निकलता था और चादर से छन छन के बाहर आता था, जिससे लोगों को पतल चलता था कि यहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा आराम फरमा है। अब शब हिजरत सारी रात अली बिस्तर रसूल पे सोए रहे, मुसलमान पहचान नहीं सके मोहम्मद सो रहा है या अली सो रहा है। अब ऐसे नारों पे तो जो है ना, फिर नारे लगवाने तो ठीक ठीक लगवाएं, अब लगवाओ यार नारे। मौके की मुनासिबत।
अली अब बिस्तर रसूल पे सो गए। अब सोना इंसान के अपने इख्तियार में नहीं होता, लेटना इख्तियार में होता है, सोना इख्तियार में नहीं होता। इंसान अगर मुस्तरब हो तो नींद नहीं आती, इंसान को अगर मौत का ख़तरा हो तो नींद नहीं आती, इंसान का अपना कोई बिछड़ रहा हो तो नींद नहीं आती। ये तीनों काम अली के साथ हुए हैं। इस तरह की कैफियत क्यों है? आदत के ख़िलाफ़ काम क्यों है? आदत के ख़िलाफ़ काम इसलिए है, अली को रात को सोने की आदत नहीं है। अली तो सारी एक एक रात में अल्लाह को 2000 सजदे करता है। आदत के ख़िलाफ़ भी काम है, इस्तराब भी है। मोहम्मद जैसा भाई जुदा हो रहा है, मौत का ख़तरा भी है। 40 तलवारें इर्द गिर्द, नंगी तलवारें 40 मौजूद हैं। इस्तराब भी है, मौत का ख़तरा भी है, आदत के ख़िलाफ़ भी काम है। लेकिन अली शहनशाह कहते हैं, मैं सारी ज़िंदगी में जिस तरह शब हिजरत सोया हूँ, कभी सोया नहीं। अल्लाह ने आसमान कुदरत पे जिब्राइल और मिकाइल को बुलाया, कहा मैंने तुम्हें भी एक दूसरे का भाई बनाया है, क्या तुम में से कोई एक दूसरे भाई पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार है? तो दोनों ने कहा, खुदाया अगर तो आपका हुक्म होगा तो हाजिर हैं, लेकिन अगर हुक्म नहीं है तो हम चाहेंगे हमारी ज़िंदगी ज़्यादा हो ताकि तेरी इबादत ज़्यादा कर सके। अल्लाह ने फरमाया, तुम एक दूसरे पे जान देने के लिए तैयार नहीं, जाओ ज़मीन पे देखो, मैंने मोहम्मद और अली को भाई बनाया है, अली अपनी जान कुर्बान कर रहा है। कहा जाओ अली की हिफाजत करो। जिब्राइल और मिकाइल नीचे आए, कहते हैं नज़ल जिब्राइल अला रासही व नज़ल मिकाइल इंद कदमैह। जिब्राइल अली के सिरहाने आ गया, मिकाइल अली के पाँव की तरफ आ गया, दुनिया को बताने के लिए अली का सर भी बुलंद है, अली के कदम भी बुलंद हैं। और जब अली बेदार हुए तो दोनों ने मुबारक दी, कहा बखिन बखिन मम मिसलो का या अली इब्न अबी तालिब। कहते मुबारक हो अली, तेरे जैसा कौन हो सकता है? फ़कत युबा ये हो बिकल्ला हो व मलाइकतु समा। ऐ अली, इस वक्त तेरे ऊपर अल्लाह भी फ़ख्र कर रहा है, मलाइका भी फ़ख्र कर रहे हैं। मिल के सलवात पढ़ दे मौला की ज़ात पे। अब रसूल खुदा ने अमानतें हवाले की मौले कायनात के। अमानतें किसकी हैं? ये मुशरिकों की अमानतें हैं जो मौला अली के हवाले की हैं। अब ये अमानतों का पैगंबर के पास होना, मुशरिकों की अमानतों का पैगंबर के पास होना, क्या ये दलील है कि पैगंबर और मुशरिकों के ताल्लुकात ठीक थे? यकीनन नहीं थे। जो कत्ल करने के लिए आए हुए हैं उनके साथ ताल्लुकात कैसे ठीक हो सकते हैं? अमानतों का होना दलील नहीं है कि ताल्लुकात ठीक थे, अमानतों का होना दलील है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का ज़र्फ़ बुलंद है, ज़र्फ़ बुलंद है। ये ताल्लुकात ठीक होने की दलील नहीं है। इसी तरह जो मशवरा है, मशवरा भी अमानत होता है। कोई आपसे कोई मशवरा ले तो अमानत है कि आप उसे अच्छा मशवरा दें, और हदीस के अंदर भी है बे मशवरा अमानत है। तो अगर कोई किसी को अच्छा मशवरा दे रहा है, ये दलील नहीं है कि ताल्लुकात ठीक हैं। एक शख्स ने मशवरा मांगा, कहा या अली जंग पे जाऊं या नहीं? मौला ने कहा ना जाओ। वो नहीं गया, जब वापस पलटा तो उसने कहा या अली अगर तू ना होता तो मैं हलाक हो जाता। ये दलील नहीं है कि वो आपस में शीर व शकर हैं। अमानतें किसकी हैं? मुशरिकों की। तवज्जो चाहूँगा, मुशरिकों की अमानतों के बारे में नबी इतना हसास है कि जब तक उन अमानतों को महफूज हाथों में नहीं देता, पैगंबर मक्के को नहीं छोड़ता। मुशरिकों की अमानतें पड़ी हुई हैं,
उनको महफूज हाथों में दिया है, अली मौला के महफूज हाथों में दिया है मुशरिकों की अमानतों को, और फिर रसूल खुदा ने मक्का को छोड़ा है। जो नबी मुशरिकों की अमानतों के बारे में इतना हसास है कि उस वक्त तक मक्के को नहीं छोड़ता जब तक उन्हें महफूज हाथों में नहीं देता, क्या वो दीन की अमानत के बारे में हसास नहीं होगा? तवज्जो चाहूँगा, क्या वो दीन की अमानत को ऐसे ही छोड़ के जाएगा? हमें पता चला कि दीन की अमानत रसूल ने किसे दी, कहाँ पर? गदीर के मैदान में दो हाथ उठे, एक मोहम्मद का हाथ था, दूसरा अली का हाथ था। मोहम्मद दुनिया को दिखा रहे थे, मेरे अमीन हाथों को भी देखो, अली के महफूज हाथ। अली के अमीन हाथों को भी देखो, मेरे महफूज हाथों को भी देखो, मेरी दुनिया की अमानत का अमीन भी अली है, मेरे दीन की अमानत का अमीन भी अली है। मिलके सलवात पढ़ दे मौला की जात पे। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मौजू, मेरा इमामत था, इमाम जो होता है वो तमाम सिफात कमाल इलाहिया का मजहर होता है, उसके अंदर सखावत, अदालत, शुजात, तमाम सिफात कमाल इलाहिया पाई जाती है। और जो इमाम होता है वो बचपन में भी इमाम होता है, जो इमाम होता है वो बचपन में भी आलिम होता है, बचपन में भी शुजा होता है। आज मेरा दिल करता है मौला इमाम हसन के सखावत के चंद जुमले आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। मिल के सलवात पढ़ रहे हैं मौला की ज़ात पर। मौला की पहले शुजात का एक जुमला, एक मरतबा मौला ने एक शख्स को देखा कि वो रसूल खुदा के मिंबर पे बैठे हुए थे, तो मौला हसन बच्चे थे और गए, कहा कि उतरो मेरे बाबा के मिंबर से, ये मेरे बाबा का मिंबर है, तुम अपने बाबा के मिंबर पे जाओ। वो मिंबर से उतरा, इमाम हसन को प्यार किया और कहा यकीनन ये तेरे बाबा का मिंबर है, मेरे बाबा का तो कोई मिंबर था ही नहीं। दुनिया को पता है मिंबर किसी के बाप का नहीं, मिंबर अहले बैत का है। और एक शख्स को कहा कि गुलाम के बेटे, वो दौड़ता हुआ गया अपने बाप के पास, कहा कि मुझे हसन ने कहा है गुलाम का बेटा। उसने कलम दवा दिया और कहा जल्दी जल्दी लिखवा के लाओ, इनकी गुलामी की सन्नत जन्नत का परवाना होती है। मौला अली जैसे सखी के ज़माने में भी जिस हस्ती का दस्तरखान लगता है मदीने में, वो हसन इब्ने अली है। और ये ऐसी रस्म है कि 1400 साल से चली आ रही है, आज भी अगर कोई जाए मदीना के अंदर तो वहाँ दस्तरखान इमाम हसन होता है, मस्जिद आमरी में, इमाम बारगाह आमरी में। जो नहीं गए, जिन्होंने जाके नहीं देखा, अल्लाह तबारक व ताला उन सबको ले जाए। रोज़ाना अगर जहरैन की नमाज वहाँ पढ़ेंगे तो दस्तरखान इमाम हसन बिछ जाता है, खाना लग जाता है। 1400 साल से जिस हस्ती का दस्तरखान जिंदा है वो हसन इब्ने अली है। और मौला अली के दौर में भी मौला का लगता था दस्तरखान। एक बंदा जा रहा था, मशहूर वाकया है, मौला हसन के दस्तरखान पे एक फ़कीर जा रहा था खाना खाने के लिए, देखा कि बाग में एक शख्स खड़ा है जो बाग में मजदूरी कर रहा है, काम कर रहा है। जब वो काम से फारिग हुए तो उन्होंने जौ की रोटी खुश्क निकाली और पानी में भिगो के खाना शुरू कर दी। ये फ़कीर देख रहा था, जब इसने देखा, जब ये मौला के दस्तरखान पर गया तो ये खाना खा भी रहा है, रोटियां छुपा भी रहा है। मौला हसन ने कहा बंदे खुदा जितना खाना है खा लो, छुपा क्यों रहे हो? इसने कहा मौला मैंने एक शख्स को देखा है जो खुश्क रोटी पानी में भिगो के खा रहा था, ये इसके लिए ले जाऊंगा। मौला ने फरमाया उसकी फिक्र न कर, वो हमारा बाबा अली है, दस्तरखान उसी का तो है। मस्जिद नबी में एक शख्स आया और आके निदा दी, कहा कि कोई है जो मेरी मदद करे। एक अमीर कबीर शख्स बैठा हुआ था, उसने 5 दिरहम दिए, 5 दिरहम 5 रुपए। तो इसने कहा इन पैसों से मेरा काम नहीं बनता,
मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। उसने कहा मेरे पास तो इतने हैं, अगर तुम्हें ज़्यादा पैसे चाहिए तो वो कोने के अंदर तीन जवान बैठे हैं, उनके पास चले जाओ, तुम्हें ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। जब ये उस कोने में आया तो वहाँ तीन हस्तियाँ थीं, मौला हसन थे, मौला हुसैन थे और अब्दुल्ला इब्न जाफ़र बैठे हुए थे। इसने अपना सवाल दोहराया, कहा कि मौला मेहरबानी करें, मुझे कुछ अता करें। मौला हसन ने इससे कहा, बंदे खुदा, इंसान को तीन चीज़ें मजबूर करती हैं कि वो किसी के आगे हाथ फैलाए, या दम है, या दैन है, या फ़क्र है। दम यानी तूने किसी का कत्ल किया है, तूने खून बहा देत देनी है, इस वजह से तू परेशान है, तेरे पास पैसे नहीं हैं, लिहाजा तू मांग के वो पैसे पूरे कर रहा। या तेरे ऊपर दैन है, कर्ज़ तूने देना है किसी का और तू उस कर्ज़ को अदा नहीं कर सकता, लिहाजा तू दस्त दराज कर रहा है, लोगों के सामने सवाल के हाथ फैला रहा है। या ये कि तू इतना फ़कीर है, गरीब है कि तेरी आमदन तेरा कफाफ नहीं करती, लिहाजा इस वजह से तू मांग रहा है। उसने कहा मेरी मौला, इन तीन मजबूरियों से कोई एक मजबूरी है, मेहरबानी करें मुझे अता करें। मौला इमाम हसन ने 50 दीनार सोने के सिक्के इसे अता किए। जब मौला हुसैन ने देखा तो मौला ने भाई के एहतराम में एक कम करके 49 दीनार इसके हवाले किए और अब्दुल्ला इब्न जाफर ने इमामत के एहतराम में 48 दीनार इसको दे दिए। अब ये जब पैसे उठा के वहाँ से गुजर रहा था, जिसने 5 दिरहम दिए, उसने कहा तू जो गया था तेरा क्या बना, तो इसने कहा उन्होंने तो इतना अता कर दिया है, फिर ज़िंदगी भर मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। ये अहले बैत हैं, ये करीम घराना है, करीम घराना है अहले बैत का। उसने कहा मन लके बेमिसलहा उला अल फतिया, उसने कहा इन जवानों जैसा कौन हो सकता है। उलाएक फुतमुल इल्म वल हिकमा, ये वो हैं जिन्होंने माँ की गोद से इल्म भी लिया है, हिकमत भी ली है, सखावत भी ली है। मिलके सलवात पढ़ दे मौला की ज़ात पे। मौला की सखावत मारूफ है। मौला एक मरतबा बैठे हुए थे, एक मरतबा फिर भी सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे मौला इमाम हसन नहीं बैठे हुए थे, मस्जिद नबवी में लोग नमाजी नमाज पढ़ रहे थे। हाकिम शाम आया और इसने कहा कि आज मस्जिद नबवी में नमाज मैं पढ़ाऊँगा। इसने नमाज पढ़ाई, जितने नमाजी जमा हो गए थे, अपने लोगों से कहा कि जो भी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए हुए हैं, इन सब के दरमियान सोना चांदी दिरहम व दीनार बांटो, हर एक को 100-100 200-200 दिरहम व दीनार देते जाओ। जब इन्होंने पैसे बांटने शुरू किए, थोड़ी देर के बाद मौला इमाम हसन मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले आए। जब मौला इमाम हसन तशरीफ़ लाए तो लोगों ने पैसे लेना छोड़ दिए, मौला हसन की तरफ चले गए, दुनिया को ये बताने के लिए कि जिस्मों पे लोगों की हुकूमत रही है, रूहों पे अहले बैत हुकूमत करते रहे। जब इसने देखा कि मौला हसन आ गए हैं, लोग उनकी तरफ जा रहे हैं, मौला हसन एक कोने में गए, अपनी नमाज शुरू की। इसने अपने लोगों से कहा जितना ख़जाना, जितना सोना चांदी बांटा है ना लोगों के दरमियान, इसका दुगना करके मौला इमाम हसन के सामने रख दो और उनसे जाके कहो ये हिंदा के बेटे की सखावत है। अब इन्होंने सारा सोना चांदी ला के मौला इमाम हसन के सामने रख दिया। मौला नमाज पढ़ रहे थे, जब नमाज से फारिग हुए, एक शख्स मौला इमाम हसन की खिदमत में आया और आके कहा यबन रसूलल्लाह, मैंने आपके लिए एक नई नालैन तैयार की है जो आपके लिए तोहफा के तौर पे लाया हूँ, मेहरबानी करें वो मुझसे कबूल फरमा लें। मौला ने उससे नालैन को कबूल किया और फरमाया ये जो सोना चांदी पड़ा है ये उठा लो, ये दुनिया का सिला है, तेरी जन्नत का ज़ामिन भी मैं हसन हूँ। तेरी जन्नत का ज़ामिन भी मैं हूँ। और हाकिम शाम की तरफ मुंह करके कहा ये फातिमा के लाल की सखावत है। जो इतना सखी और करीम था, जालमों ने उसे जहर दिया। कासिम का सैन 3 साल का था, जहर से जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आ रहे थे और 3 साल का कासिम अपनी आंखों से देख रहा था।
आज़ादार बनु हाशिम जमा थे, मौला हुसैन भी मौजूद थे। मौला हसन के जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आ रहे थे। एक मरतबा फिजा ने कहा कि जैनब आ रही है। आज़ादारो जब हुसैन ने सुना ना कि जैनब आ रही है, फिजा से कहा कि हसन के जिगर के टुकड़ों का ताश्त हटा दो, ओ बहन भाई के जिगर के टुकड़े नहीं देख सके। अजरकम अल्लाह, मैं कहूँगा आज जैनब भाई के जिगर के टुकड़े देखना बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, और कल करबला के मैदान में 70 कदम पे खड़े हो के 13 जिरबों से जिबा होता हुआ हुसैन कैसे देखे। अजरकम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, सिवाय गमे अहले बैत के कोई गम ना देखो। 3 साल का सिन है कासिम का। जब मौला हसन के जनाजे को उठाने का इरादा किया गया, शहजादा कासिम बाबा के जनाजा से लिपट गए। जैनब ने हटाने की कोशिश की, कासिम बाबा के जनाजा को नहीं छोड़ते। आज़ादारों, छोटे बच्चों को अपने बाप से बहुत प्यार होता है। छोटी छोटी औलाद वाले बैठे हो, छोटे बच्चे जब बंदा बाहर जाने का इरादा करता है तो कहते हैं बाबा मुझे भी अपने साथ ले जा। हसन भी बाबा के जनाजा को निपटे हुए हैं, कह रहे होंगे बाबा मुझे भी अपने साथ। अजरकम अल्लाह, बाबा मुझे भी अपने साथ ले जा। एक मरतबा हुसैन आगे बढ़े, कहा हसन बेटा बाबा के जनाजा को छोड़ दो, आज के बाद तू मुझे बाबा कहा कर। अपने अकबर की तरह पाला है हुसैन ने कासिम को। आज़ादारो, हर माँ को बच्चों से बहुत प्यार होता है। हर माँ अपने बच्चों को मोहब्बत के साथ पालती है, लेकिन बेवा माँ के पालने का अंदाज कुछ और होता है। आज़ादारो, जिसके सर से वारिस का साया उठ जाए ना, वो अपने बच्चों को बड़ी नियाजों से पालती है, बड़ी मुरादों से पालती है। आज़ादारो, वो रोज़ाना अपने बच्चे का चेहरा देखती है और कहती है कब मेरा बेटा जवान होगा और मैं इसे सेहरा बांधूंगी और मेरा उजड़ा घर। अजरकम अल्लाह, ओ मेरा उजड़ा घर आबाद हो जाएगा। यही तो फरवा की ख्वाहिश होगी ना, एक दिन तो मेरा बेटा जवान होगा ओ मैं इसकी शादी करूंगी। अजरकम अल्लाह, सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना देखो। दादा दादा, वक्त गुजर गया, गुजरता गया। आ गई शब आशूर, इमाम हुसैन बैठे हुए हैं, खुतबा दे रहे हैं और हर एक को बता रहे हैं कि कल आपने शहीद हो जाना है, और हर एक को जन्नत में उसका मकाम दिखा रहे हैं। कहते हैं हबीब वो तेरा महल है, मुस्लिम इब्ने औस जा वो तेरा महल है, जॉन वो तेरा महल है। जब ये सारी गुफ्तगू शहज़ादा कासिम ने सुनी ना, पीछे पीछे बैठे हुए थे, जानों के बल उठे और कहा मौला क्या शहादत की सआदत मुझे भी नसीब होगी। मौला हुसैन ने कहा कैफल मौत इंदक, कासिम तेरे नज़दीक शहादत कैसी है। आज़ादारों, बच्चों को मीठी चीज़ बड़ी प्यारी होती है। कासिम ने कहा चचा अहला मिनल असल, ओ बाबा तेरे कदमों में मौत शहद से ज्यादा शीर। अजरकुम अल्लाह, कासिम का पुरसा, हसन के लाल का पुरसा, आज़ादारो फरवा के लाल का पुरसा, बस 2 दिनों का मेहमान है कासिम, और फिर हसन का लाल मारा जाएगा, फरवा की झोली उजड़ जाएगी। अजरकुम अल्लाह, आज़ादारो जब कहा ना कैफल मौत इंदक, तेरे नज़दीक मौत कैसी है, शहजादे ने जवाब दिया अहला मिनल असल, चचा शहद से ज़्यादा शीरी है। जब कहा ना शहद से ज़्यादा शीरी है, मौला हुसैन ने जवाब दिया, मौला हुसैन कहते हैं कासिम तू भी शहीद होगा, तेरा भाई असगर भी मारा जाएगा। आज़ादारो, असगर का नाम आना था, तड़प गए कासिम। कहते हैं चचा क्या ये जालिम खयाम में आ जाएंगे। कासिम सोच रहा है शायद ये खयाम में नहीं जाएंगे, और मैं कहूँगा कासिम शाम गरीबा ये जालिम खयाम में आके किसी की चादर लूटेंगे और किसी के कान जख्मी करेंगे। हुसैन ने कहा कासिम मैं असगर को ले जाऊंगा पानी पिलाने के लिए, जालिम से शोबा तीर से सैराब करेंगे। शब आशूर, एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खयाम का दौरा कर रहे थे।
एक खैमे के आगे से गुजरे, खैमे के अंदर बैठे तीन जवान महवे गुफ्तगु थे, मौला अब्बास, अली अकबर और कासिम। अब्बास अली अकबर से कह रहे थे, अकबर तू अपने बाबा की आंखों का नूर है, कल पहले तू मैदान की तरफ ना जाना, पहले मैं मैदान की तरफ जाऊंगा। तेरे जाने से तेरे बाबा की आंखों का नूर ख़त्म हो जाएगा, कल तुझसे पहले मैं मैदान में जाऊंगा। अकबर ने कहा, चचा तू मेरी फौज का सिपा सालार है, पहले तू मैदान में ना जाना, तेरे जाने से मेरे बाबा की कमर का जोर टूट जाएगा। अजादारा जब कासिम ने सुना, कासिम ने कहा, चचा ना तू जाना, भैया ना तू जाना, मैं यतीम हूँ, पहले मैं जाऊँगा और मेरी माँ रो रो के वक्त गुजार लेगी, और ना बाबा ना चचा की आँखों का नूर जाएगा और ना कमर का जोर टूटेगा। अजरकम अल्लाह, सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना देखो। आ गया दसवीं का दिन, हर शहीद इजाज़त लेके जा रहा था मक्तल की तरफ। शहजादा कासिम जब भी आते हैं ना इजाज़त लेने के लिए, हुसैन शहजादे को गले लगा देते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। रावी कहता है, मैं मंज़र देख रहा था, एक मरतबा मैंने देखा कि ख़याम के बाहर एक कुर्सी लगी हुई थी, मौला हुसैन उसके ऊपर बैठे हुए थे, आगे एक जवान खड़ा था जिसका चांद जैसा चेहरा था, वो कभी बैठता था कभी खड़ा होता था, जब बैठता था हुसैन के पाँव के बोसे लेता था, जब खड़ा होता था तो हाथों के बोसे लेता था। इस तरह इजाज़त मांग रहा है कासिम मौला से शहादत के लिए, इजाज़त नहीं मिली। आया माँ के पास, कहा, अम्मा मैं जब भी जाता हूँ इजाज़त लेने के लिए, चचा इजाज़त नहीं देते, चचा रोना शुरू कर देते हैं। अजादारो सुनोगे, एक रिवायत है कि फरवा ने कासिम के बाजू पे बंधे हुए एक तावीज़ को उतारा, कहा, कासिम ये तावीज़ चचा के पास ले जाओ, तुम्हें इजाज़त मिल जाएगी। अजादारो कासिम तावीज़ उठा के आया मौला हुसैन के पास, मौला हुसैन ने उस तावीज़ को खोला, तावीज़ में लिखा हुआ था, हुसैन करबला में मैं नहीं हूँगा, मेरी जगह कासिम की कुर्बानी कबूल कर लेना। हुसैन ने रोना शुरू किया, कहा, अब मैं इजाज़त से रोक नहीं सकता। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह तुम्हें अजर दे अजादारो, मौला हसन तुम्हें अजर अता करे, ओ हसन के लाल को रोने वाले जवानों, खुदा तुम्हारी मुरादें पूरी करे। अजरकुम अल्लाह। अजादर अब जो इजाज़त मिली, इजाज़त मिलने का अंदाज क्या था, कहते इमाम हुसैन ने अपने हाथों से तैयार किया है, तैयार तो मांग ने करके भेजा था ना, अब कुछ तब्दीलियां मौला इमाम हुसैन ने की। क्या तब्दीलियां की, रावी कहते मंजर देख रहा था, जो पैरहन शहजादे कासिम ने पहना हुआ था, मौला हुसैन ने दोनों अतराफ से उस पैरहन को चाक करना शुरू कर दिया, जो अमामा बांधा हुआ था मौला ने उसके दो हिस्से किए कासिम के अमामे के, आधा सर पे बांधा, आधे से तहतुल हनक बनाई। कहते हैं, लिबास हो मिसलुल कफन, कासिम का लिबास ऐसे था जैसे कफन पहन के जा रहा। फरवा ने कहा, ओ देखो, ओ मेरा बेटा कफन पहन के मक्तल की तरफ जा रहा है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना देखो। बस चंद जुमलों की जहमत अजादारो, आए मैदान में, मुबारिस तलब किया, एक एक अर्क पहलवान आने लगे, कासिम ने फिन्नार करना शुरू किया। एक मर्तबा अर्जक नामी एक पहलवान कासिम के मुकाबले के लिए आया, इधर से ये कासिम के मुकाबले के लिए बढ़ा, मौला हुसैन कासिम की माँ के खैमे की तरफ चले और उस खैमे में आए जहाँ कासिम की माँ बैठी हुई थी, और कहा, कासिम की माँ अपने बेटे के लिए दुआ कर, तेरे बेटे का मुकाबला बड़े पहलवान से आ गया है। सुनोगे कैसे दुआ की है, कासिम की माँ कहती है, मेरा अल्लाह मेरा कासिम बहुत छोटा है, और मेरा अल्लाह मेरे कासिम को फतह अता करना।
अजादार कासिम ने इसे फिनार किया। अब हुक्म हुआ सारे मिलके हमला करो। अब चारों तरफ फौज अश्किया है, दरमियान में हसन गाला अजरकुम अल्लाह। चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, दरमियान में अकेला कासिम लड़ रहा है। अजादारों कितनी देर लड़ता एक 13 साल का जवान। एक मर्तबा घोड़े से उतरा, आवाज दी, चचा खुदा हाफे। अजरकुम अल्लाह। सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना देखो। मौला इमाम जमाना ज़ियारत नाहिया में कहते हैं, जो आंख अब तक नहीं रोई अज़ादारो। मौला इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में कहते हैं, अस्सलाम अला कासिम इब्न अल हसन। मौला फरमाते हैं, मेरा सलाम हो उस कासिम इब्न हसन पर, अल मजरूब हामतो ओ जिसका सार फट गया था, अल मसलूब लामतो ओ जिसके बदन पे इतने जख्म थे कि आह भी नहीं कर सकता। अजरकुम अल्लाह। घोट घोट के नहीं अजादारो, मजल से पढ़ कर पे हमारे आवाज कमजोर हो गए हैं। इस तरह घोट घोट के न रोए फरवा के लाल को। तुम्हें क्या पता ओ फरवा ने किस तरह पाला है। वो जो कहती थी मैं तो सेज बनाऊंगी, और जो कहती थी मैं सेहरे बांधूंगी, मैं कहूंगा हाँ हाँ, कासिम की करबला में सेज बनी है, नेजों की सेज है, खून की मेहंदी लगी। सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना देखो। ही नादल हुसैन, जब हुसैन को आवाज दी, कहते हैं वह यफ़हसु अलैहि बिरिजलि तुराब। कहते हैं हुसैन ऐसे आए जिस तरह बाज परिंदे की तरफ आता है। दर्दमंदों को सुनोगे जुमला कि कासिम की हालत क्या थी जब हुसैन आए। जब हुसैन आए उस वक्त कासिम किस हालत में था। अरबी के जुमले हैं, समझ आ जाए तो रो लीजिएगा, नहीं तो मैं उसका तर्जमा कर दूंगा, फिर आंखें ज़रूर बरस पड़ेंगी। जब मौला हुसैन आए, रावी कहता है वह हुआ यफ हसो बेरेज लय है तुराब, ओ कासिम जमीन पर एड़ियाँ रगड़ रहा था। अजादारो इधर से हुसैन बढ़े, उधर से अकबर बढ़े, इधर से अब्बास बढ़े। दुश्मन ने समझा हुसैन की फौज ने हमला कर दिया, इन जालिमों ने घोड़े दौड़ाए, कासिम का लाशा करबला की रेत में बिखर गया। अजरकुम अल्लाह। थके नहीं अजादारो, आखिरी जुमले, कासिम का लाशा करबला की रेत में बिखर गया। हाय कासिम की माँ, ओ तेरी अपनी किस्मत। अजरकुम अल्लाह। सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना देखो। खुदा तुम्हें किसी गम में ना रुलाए, खुदा तुम्हें किसी गम में ना रुलाए, कासिम पे रोने वालों। कासिम का लाशा करबला की रेत में बिखर गया। हुसैन जब पहुंचे, लाशे को उठाने का इरादा किया हुसैन, मौला हुसैन ने कासिम के लाशे को उठाने का इरादा किया। हुसैन ने जिस अंदाज से कासिम के लाशे को उठाया है ना, आप देखेंगे ये मंजर जहन में आएगा, करबला बन जाएगी। अजादारो इमाम हुसैन ने करबला की जमीन में एक चादर बिछाई। नहीं समझे जुमला अजादारो, लाशें चादरों में नहीं उठाई जाती। हुसैन ने चादर बिछाई, लाश को उठा के चादर में रखा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना देखो। अजादारो चादर के चारों कोने पकड़े हुसैन ने, कंधे पे उठा के हुसैन चले खयाम की तरफ। जब खयाम के करीब पहुंचे, ज़ैनब दरे खैमा पे खड़ी हुई थी। ज़ैनब ने कहा, हुसैन ओ कासिम की लाश की उन्हीं लाए। हुसैन ने कहा, लाया तो हूँ लेकिन कासिम की माँ को ना दिखाना। थके नहीं अजादारो, थके नहीं आखिरी जुमला, ओ कासिम की माँ को ना दिखाना। ओ वो माँ तो मर जाएगी, ओ जो कहती थी मैं दुल्हा बनाती, ओ मेरा घर आबाद हो जाता।
अजरकम अल्लाह, अभी भी कुछ जवान जिन्हें गिरिया नहीं आ रहा कासम की गुर्बत पे, अभी इंतजार में हो, एक और जुमला पढ़ दो आजादारो। हुसैन लाए लाशाए कासम को खयाम के बाहर, हुसैन ने कासम की लाश को रख दिया। कहते हैं थोड़ी देर के बाद अकबर का लाशा भी आ गया। जब अकबर का लाशा भी आ गया, जब कासिम का लाशा भी आ गया, तो खयाम के बाहर उस वक्त मंजर क्या था? रावी कहता था मंजर ये था, एक तरफ अकबर की लाश, एक तरफ कासिम की लाश, दरमियान में दो जानू बैठ गए हुसैन। अब मेरी तरफ देखेंगे, एक हाथ रखा अकबर के सीने पे, एक हाथ रखा कासिम के सीने पे, आसमान की तरफ मुंह करके कहा वाह गुरबत। थके नहीं आजादारो? हुसैन कहते हैं वाह गुरबत, ओ मेरा अल्लाह मेरे ऊपर गुरबत आ गई, मेरा कासिम मर। थके नहीं आजादारो? ओ मेरा अल्लाह मेरे ऊपर गुरबत आ गई, ओ परवरदिगार अल्लाह तुझे कासिम की गुरबत का वास्ता, ओ मेरा अल्लाह उस मजलूम की शहादत का वास्ता, ओ जिसकी माँ कहती थी मैं दुल्हा बनाती मैं सेज सजाती, हाय कासिम के सेहरे नहीं है, ओ कासिम का लाशा करबला गिरे परवरदिगार अल्लाह सबकी हाजात को पूरा फरमा। मेरा अल्लाह जो जवान कासिम की शहादत पे गिरिया कर रहे हैं, परवरदिगार अल्लाह इन सब की हाजात को पूरा फरमा दे। परवरदिगार अल्लाह ये अयाम अजा हैं, मेरे अल्लाह तेरे हुसैन पे रोने वाले ये रोती हुई आंखों से तेरी बारगाह में इल्तजा कर रहे हैं। परवरदिगार अल्लाह आज की रात कासिम के सदके कोई खाली हाथ न जाए। परवरदिगार अल्लाह सबकी मुरादें पूरी फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला अता फरमा। परवरदिगार अल्लाह हम सब के हादियों बर हक इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर फरमा। बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सलवात।